तक समाचार मिले, सामाजिक सरोकार की जानकारियां मिले, मध्य प्रदेश के घटनाक्रम राजनीतिक हो सामाजिक हो इनकी निष्पक्ष रिपोर्ट जनता तक पहुंचे और जनता में जिस तरीके का भाव चैनल को लेकर बना है और सार्थक हो। पहली बार राज्य में दलित नेता को बागडोर। मध्य प्रदेश में सीएजी ने पकड़ा 26 करोड़ का घोटाला। भोपाल समेत 14 जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पैसों में किया गया घोटाला। बीस सितंबर से शुरू होगी इंदौर से नागपुर अहमदाबाद के लिए नई फ्लाइट। सुबह 6:15 बजे नागपुर के लिए रवाना होगी इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट। एमपी से यूपी चुनाव का प्लान तैयार। योगी आदित्यनाथ को मजबूत करेंगे शिवराज सिंधिया, उमा भारती और मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यूपी चुनाव में करेंगे प्रचार। और देश भर में गणपति बप्पा की हुई विदाई। विसर्जन घाटों पर प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे पंजाब में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कई घंटों की माथापच्ची के बाद चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मुहर लग गई। अब चरणजीत सिंह राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब कांग्रेस के विधायक दल का नेता चुने जाने का ऐलान किया। चन्नी से पहले पंजाब सरकार में मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम को तकरीबन फाइनल बताया जा रहा था, लेकिन आखिरी समय में उनके नाम की जगह चरणजीत सिंह के नाम का ऐलान किया गया। ये पहली बार होगा जब पंजाब में दलित नेता को राज्य की कमान सौंपी गई है। बीजेपी बिरसा मुंडा की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि जनजाति गौरव दिवस मनाने की सीएम ने घोषणा की है, साथ ही शासकीय अवकाश घोषित किया है। इसके साथ ही वीडी शर्मा ने ऐसा कानून लागू करने पर भी जानकारी दी है। देखिए उमा जी, हम सबके लिए भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, हम सबकी वो आदर का केंद्र हैं, इसलिए हमें वो डांट करके डपट करके वो कह सकती हैं, उनका अधिकार है। इसलिए जहाँ तक शराबबंदी का जो विषय है, उन्होंने जो सुझाव दिए हैं और आदरणीय उमा जी ने भी कहा है कि सामाजिक परिवर्तन करने की ज़रूरत है और ये जो परिवर्तन होंगे वो सामाजिक आंदोलन से ही होंगे। कानून अपना काम करते हैं लेकिन कानून से सामाजिक बुराई खत्म नहीं होती, इसलिए सामाजिक आंदोलन। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान दोनों तटों पर 1 किलोमीटर तक कोई भी शराब की दुकान नहीं होगी। लोगों ने कहा था कि बड़े राजस्व की हानि होगी, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि चाहे जितना नुकसान हो लेकिन हम इसको बंद करेंगे, शुरुआत थी। सतना पुलिस ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बिहार के बेगूसराय जिले के शातिर गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया। वहीं ठग गिरोह ने कई राज्यों में धोखाधड़ी और ठगी करने का गुनाह कबूल किया है। धोखाधड़ी घटना हुई थी जिसमें मोटरसाइकिल सवार लोगों के द्वारा रिहायशी कॉलोनी में जाकर सोना सफाई करने के नाम पर ज्वेलरी साफ करने के नाम से धोखाधड़ी की गई और गोल्ड की वैल्यू में ज्वेलरी लेकर गायब हो गया। जिस घटना की तत्काल वादी नाकाबंदी की गई थी और एक संदिग्ध भाई को पकड़ा गया, बाद में इन्वेस्टिगेशन में स्पष्ट हुआ कि ये समस्तीपुर बेगूसराय बिहार के लोग जिसका लेकर कई टीमें लगाई गई थी। SDOP चित्रकूट अभिनव चौक से थाना प्रभारी और टीम जो लगातार काम कर रही है, इस गैंग के 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। भारतीय मजदूर संघ अखिल भारतीय अभ्यास वर्ग का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन के दौरान भारतीय मजदूर संघ से जुड़े नए कार्यकर्ताओं को अगले 5 दिनों तक प्रशिक्षित किया जाएगा। इन कार्यकर्ताओं को मजदूर संघ की विचारधारा कार्य पद्धति के बारे में विस्तार से बताया जाएगा।
खास करके फार्मा सेक्टर में आप देखेंगे 400% 500% का लाभ मुनाफा हो रहा है। इसी प्रकार भारतीय मजदूर संघ ने यह सुझाव दिया कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसको कि हर दो दिन चार दिन पर कीमत बढ़ता है, तो जीएसटी के अंदर जब सरकार यह कहती है कि वन नेशन वन टैक्स, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी जीएसटी के अंदर लाना चाहिए। सरकार ने प्रयास किया लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया है, तो भारतीय मजदूर संघ इसका विरोध करता है सभी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को। बागली पुलिस थाने के पास हरि सिंह नाम के व्यक्ति का शव मिला है। बागली एसडीओपी राकेश व्यास ने हत्या के मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी संजय ने मृतक हरि सिंह को अपने साथियों के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा है। आरोपी ने शराब के नशे में वारदात को अंजाम दिया। परिवार वालों से पूछताछ की तो उसकी पत्नी और भाई ने बताया कि दो व्यक्ति संजय और रामकरण रात को इसके पति को लेके गए थे। उन दोनों से फिर पूछताछ की तो ये सत्य आया कि तीनों आपस में दोस्त थे, विवाद हो गया और उस विवाद में इन्होंने दोस्तों ने मिलके दोस्त की हत्या कर दी। अशोकनगर में धूमधाम के साथ गणपति विसर्जन किया गया। गणपति विसर्जन का दौर सुबह से लेकर देर शाम तक चलता रहा। इस दौरान अलग अलग झांकियों और घरों में विराजमान गणपति की प्रतिमाओं का विधि विधान के साथ विसर्जन किया गया। वहीं कई जगहों पर चल समारोह भी निकाले गए। इस दौरान स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए थे। उमरिया जिले के सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गणपति विसर्जन किया गया। गणपति विसर्जन का दौर सुबह से शुरू होकर देर शाम तक चलता रहा। इस दौरान भगवान गणपति की प्रतिमाओं का विधि विधान के साथ विसर्जन किया गया। उधर चल समारोह भी निकाले गए। नगर निगम प्रशासन और पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे। बड़वानी जिले के ठीकरी जुलवानिया में करीब 18 टैंकरों का पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने वितरण किया है। इन टैंकरों की क्षमता 5,500 लीटर पानी की है, जिसमें क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा। बाला बच्चन ने बताया कि क्षेत्र में दौरे के दौरान क्षेत्रवासियों की लगातार टैंकरों की मांग थी, जिसे आज पूरा किया। बैरागढ़ मीडिया हाउस में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि हर साल मीडिया हाउस में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इसी क्रम में हवन पूजन के साथ बप्पा की विदाई हुई। मीडिया हाउस के सभी साथियों ने हवन पूजन में भाग लिया और रिद्धि सिद्धि की कामना की। चतुर्दश के उपलक्ष्य में गणेश जी का विसर्जन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें खूब धूमधाम से गणेश जी की आरती की गई, हवन किया गया, पूजन किया गया, उनके गणेश जी के जयकारे लगाकर और बप्पा को विदाई दी कि देश में सुख समृद्धि हो, कोरोना जैसी महामारी से छुटकारा मिले। बैरागढ़ की खजूरी थाना क्षेत्र के धमनिया गांव में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक प्रेम नारायण बकरी चराने के दौरान पटरी पार कर रहा था, जहां ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। उधर रेलवे कर्मचारियों ने सूचना खजूरी थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जाँच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
आगे बढ़ेंगे। रतलाम की तहसील रावटी के तहसीलदार मौसमी केवट पर गंभीर आरोप लगे हैं। केवट पर आरोप है कि उन्होंने अतिक्रमण माफियाओं से अधिक राशि ली और कई लोगों से बिना रसीद के पैसे वसूले। तहसीलदार से नाराज आदिवासी युवा संगठन ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। तहसीलदार रावटी मौसमी केवट है, उनने लोगों से पैसे अवैध रूप से रुपए वसूले हैं। अतिक्रमण की जो रसीद कटती हैं रेवेन्यू की, उसके नाम से उनने 5,000 लोगों से लिए हैं, कुछ लोगों से 10,000 भी लिए हैं और रसीद केवल 2,000 काट के दी हैं। और कुछ लोगों से उन्होंने रुपए लिए हैं और रसीद भी नहीं दी हैं, कुछ की रसीद दी और फिर रसीद छीन करके फाड़ी हैं, ये भी कंप्लेंट है। जमीन शासकीय थी या? देखिए, आदिवासी इलाका, उसको अनुसूचित इलाका बोलते हैं भारत के संविधान में, 5वीं अनुसूची वाला जो इलाका है, तो जिन लोगों के नाम में अगर लीगली तौर पर पट्टा नहीं या पावती नहीं है, जिनका भूमि अधिकार का पत्र नहीं है पुस्तिका, तो वो लोग जो है वो जो उनके गांव में जो ज़मीनें हैं, भले वो स्वामी उसका कोई भी हो लेकिन गाँव के सरकारी हो, भले वो नजूल की किसी के भी डिपार्टमेंट के अलॉट हो, वहाँ पर आदिवासी लोग जो है वो ज़मीन को तैयार करके खेती बाड़ी करते हैं, तो हमारे हिसाब से गाँव के लोगों की ज़मीनें हैं। रतलाम में मूसलाधार बारिश का कहर लगातार जारी है। बारिश के शहर की सड़कें पानी पानी हो गई हैं। वहीं ढोलावाड़ बांध के 6 गेट खोल दिए गए हैं। रतलाम में अब तक कुल 36 इंच से अधिक बारिश हो चुकी है, जिसका कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी गौरव तिवारी और नगर निगम आयुक्त लगातार शहर के हालातों का जायजा ले रहे हैं। इसलिए बस्तियों में पानी काफ़ी है और कई घरों में भी पानी घुसने की खबर थी। सुबह से नगर निगम का दल, प्रशासन का दल क्षेत्र में एक्टिव है। मैंने और एसपी साहब ने भी काजीपुरा, जलानीपुरा, इन क्षेत्रों का भ्रमण किया, पूरे शहर का जायजा लिया। अभी थोड़ा बारिश रुकी है और ये पानी निकल जाएगा और टीम एक्टिव है, जेसीबी मशीन, डंपर, इसके साथ कई जगह पानी के बहाव को सतत करने के लिए दीवार भी तोड़ी गई है। आगामी कुछ दिनों में आशंका है बारिश की लगातार। नगर निगम का कंट्रोल रूम 24 घंटे एक्टिव रहेगा, प्रशासन का कंट्रोल रूम एक्टिव रहेगा। अभी जो जिन लोगों को भी अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया, उनके खाने की व्यवस्था की जा रही है। ये जैसी बारिश सब लग रही रुकेगी तो एक दो घंटे में पानी उतर आएगा। राजधानी भोपाल में गणेश विसर्जन हो रहा है। इस दौरान राजधानी के कई स्थानों पर नगर निगम की मूर्तियों का सामूहिक विसर्जन नगर निगम ने किया है। आपको बता दें, कोरोना के चलते इस बार भी चल समारोह पर रोक लगा दी गई है। वहीं पूर्व में हुए नाव हादसे के बाद से विसर्जन घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कटलापुरा घाट में क्योंकि जहांगीरबाद सब डिवीजन और बाकी सब डिवीजन की बहुत सारी प्रतिमाएं यहां पर विसर्जन होनी है, तो यहां पर व्यवस्थाओं में पुलिस प्रशासन, नगर निगम प्रशासन और एसडीआरएफ तीनों की टीम लगी हुई है। हमने यहां पर क्रेन की व्यवस्था करी है, जिससे बड़ी मूर्तियों को हम यहां पर क्रेन की मदद से विसर्जन करेंगे। मार्ग व्यवस्था लगाई गई है ताकि यहां पर भीड़ न हो। हम किसी भी इंसान को यहां नदी के पास, ये तालाब के पास में आने नहीं दे रहे हैं। इनको दूर से ही हम प्रतिमाओं को पानी में विसर्जित कर रहे हैं। जो छोटी मूर्तियां हैं उसके लिए हम लोगों ने यहां पर कुंड बनवाया हुआ है, जिसमें विसर्जन किया जाएगा। और जो बड़ी मूर्तियों के साथ में जो प्रोसेशन है, उसके लिए टोटली प्रतिबंधित किया गया है कि कोई भी डीजे ढोल ढमाके से प्रोसेशन नहीं निकाला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एसडीआरएफ की और नगर निगम के साथ में जो गोताखोरों की टीम है, उनकी बोट्स अवेलेबल है कि अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो उसमें बचाव कार्य के लिए सारी टीम यहाँ मौजूद है। मझगवा के पिंडरा गांव से बरौधा होते हुए यूपी को जोड़ने वाली सड़क की हालत काफी खराब हो चुकी है, जिस कारण राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि सड़क में गड्ढे हो चुके हैं, जिस कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। वहीं सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत हो जाने के बाद भी ठेकेदार कार्य शुरू नहीं कर रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को बार बार ज्ञापन दिए जाने के बाद भी इसे गंभीर नहीं ले रहे हैं। नकैला बैरहा, कंदर महाराज नगर और चौराहा बरुआ, मलगौसा, ये इत्यादि तमाम रोड हैं जो 2017 से किसी तरह का कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ है। इस बात को लेकर के आज की तारीख पर हमने धरने का ऐलान किया था, लेकिन
लोक निर्माण विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों की व्यापक उदासीनता से खिन्न हैं हम, और ज्ञापन हमने अपनी मांग पत्र का थाना प्रभारी मुजगमा जी पूरी तरह हमको स्पष्ट किए, उनके आश्वासन के बाद हमने उनको सौंप दिया। लेकिन यह बात जरूर कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी की ये उदासीनता उनको कहीं ना कहीं महंगी पड़ेगी। हम निश्चित तौर पर 15 दिन या एक महीने बाद पिंडरा में निश्चित रूप से अनिश्चितकालीन चकाजाम करेंगे, तब इनको पता लगेगा कि सच्चाई है क्या। कॉन्ट्रेक्टर कॉन्ट्रेक्टर द्वारा कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है, एग्रीमेंटल कार्य में अपन कुछ नहीं करते, उसको पत्र हम लोगों ने जारी कर दिया है जी। पर 3 किलोमीटर का डामर का काम कर दिया है और बरसात आ जाने के कारण डामर का काम नहीं किया। जैसे ही बरसात खत्म होगी उसके बाद वो काम शुरू करेंगे। क्या है कि अक्सर जो रोड है अपनी बरौधा तरफ की वो परफॉर्मेंस गारंटी में है, तो ठेकेदार का 3 साल का परफॉर्मेंस गारंटी होती है, उसके तहत वो काम करता है। हम लोग छोटी मोटी रोडें 1-2 किलोमीटर की है जिसमें काम करते हैं, जो मटेरियल हमें उपलब्ध रहता है उसमें काम करते हैं। सतना चित्रकूट मार्ग में झाड़ियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि बीती शाम मृतक किसी काम से बाइक से मझगवा जा रहा था, जहां पर सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई और वो झाड़ियों में जा गिरा। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मझगवा पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बढ़ते डेंगू के मामले को लेकर कहा, सरकार ने संज्ञान लिया है, जन जागरूकता के साथ साथ सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। सारंग ने जीतू पटवारी के आरोपों पर पलटवार किया, कहा गुंडे बदमाशों का मामला है, जांच के बाद केस दर्ज हुआ है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये सरकार कानून व्यवस्था से चलती है। पंजाब के राजनीतिक हंगामे पर उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम कैप्टन ने सिद्धू पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस पाकिस्तान और चाइना के एजेंडे पर काम करती है, ऐसा कह रहे हैं। गुंडे बदमाशी करोगे आप, अपने रसूख का दुरुपयोग करोगे और फिर आप ये कहोगे कि किसी को न्याय भी ना मिले, और एक सरकारी कर्मचारी जो कि मेहनत कर रहा है, सफाई अभियान में लगा है, उसके साथ बदतमीजी करना। जीतू पटवारी जी भूल गए कि ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, जहां कुछ भी होता हो, यहाँ किसी भी व्यक्ति को, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं मिलेगी। और संपूर्ण जांच के बाद जब ये सुनिश्चित हुआ कि वहाँ पर जीतू पटवारी जी ने अपनी राजनीतिक रसूख दिखाते हुए दादागिरी और धमकाने की कोशिश की थी, तब केस दर्ज हुआ है। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत अपने विधानसभा क्षेत्र सुरखी के ढगरानिया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक क्षेत्र में विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और प्रेम जाहिर करते हुए कहा कि सुरखी मेरा परिवार है, मैं हमेशा सुरखी की जनता के लिए समर्पित रहूंगा, आप मुझे काम बताइए, मैं उन्हें पूरा करूंगा। खरगोन में 3 तलाक का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पीड़िता का निकाह 6 वर्ष पूर्व इंदौर निवासी वसीम से हुआ था। शादी के बाद से ही आरोपी पीड़िता को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था। इस बीच वसीम ने पीड़िता को 3 बार तलाक बोलकर छोड़ दिया। उसके बाद से पीड़िता ने आवेदन देकर शौहर की शिकायत DIG से की और उचित न्याय की गुहार लगाई। तो मेरे आदमी मुझे बहुत परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं और दहेज के बारे में परेशान करते हैं। मैंने ये सबसे पहले 12 अगस्त को इसके ऑफिस में दिया था, वहाँ पर भी मेरी कुछ सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और मैं यहाँ पर मुझे मेरी जो भी परेशानी हैगी, जो भी मेरे साथ हो रहा है, उसके लिए कार्रवाई जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।